प्रदेश के बेरोजगारों ने एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर दी है। जी हां, दरअसल इस बार प्रदेश के बेरोजगार रिक्त पदों को भरने और साथ ही भर्तियों के परिणाम की मांग को लेकर उग्र होने को तैयार हो गए। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड और साथ ही RPSC की ओर से निकाली गई करीब 1 लाख से भी अधिक भर्तियों के परिणाम अभी तक प्रशासन ने जारी नहीं किए। परिणाम जारी करवाने को लेकर प्रदेश भर के बेरोजगार लगातार प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरे मामले की कोई सुतक नहीं ली गई। पूर्व में निकाली गई कई भर्तियों में विसंगतियों का हवाला देते हुए भर्तियां कोर्ट में अटक चुकी हैं। महासंघ की ओर से 28 मई को राजधानी में बैठक भी रखी गई, जिसमें प्रदेश भर के बेरोजगार अभ्यर्थी शामिल होंगे। बैठक के माध्यम से बेरोजगार अपनी आवाज को मुख्यमंत्री और साथ ही डिप्टी CM तक पहुंचाने का काम करेंगे और रिक्त पदों को भरने व साथ ही रुके हुए परिणामों को जारी करवाने की मांग भी इस बैठक के माध्यम से रखी जाएगी। अधीनस्थ बोर्ड की बात हो चाहे RPSC की, RPSC में हेडमास्टर SI भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 का परिणाम रुका और तैयार है। इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड में चाहे कृषि प्रेक्षक हो, NTT हो, पशुधन सहायक हो, PTI भर्ती हो, LDC 2018 हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, फार्मेस्टिक हो, जिनकी परीक्षा तिथि तय होनी है, ये समस्त भर्तियां EWS MBC को लेकर रुकी है क्योंकि कार्य विभाग ने 19 मार्च को रोक लगा दी थी, लेकिन इसको लेकर 28 तारीख को हम इकट्ठे हो रहे हैं। और सीधा सा संदेश है, राज्य सरकार चाहे चुनावों में उनको सीटें नहीं मिली, लेकिन राजस्थान के युवा बेरोजगार राजस्थान सरकार के साथ है। राजस्थान सरकार संघर्ष जो उनका चल रहा था लोकसभा चुनाव में, हम उनके साथ हैं, पहले भी थे, आगे भी साथ रहेंगे, लेकिन 28 तारीख को हम इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी से डिप्टी CM साहब तक पूरी सरकार तक हम आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि इनकी भर्तियों का निस्तारण किया जाए, जिनकी परीक्षा तिथि तय नहीं हो परीक्षा तिथि तय की जाए, जिनका परिणाम नहीं जारी हो परिणाम जारी किया जाए, और जिनका परिणाम जारी हो चुका है कोर्ट में, जैसे पशुधन सहायक है, PTI भर्ती है, LDC भर्ती।